आप सभी को नमस्कार श्री जसवाल यूट्यूब चैनल में। आज है 4 नवंबर और मैं हूँ अभी अपने गांव के बाजार में जिसका नाम है द्वारिखाल बाजार। ये आप पीछे देख सकते हो, पूरा पूरा पीछे द्वारिखाल बाजार है और वो पीछे ऊपर अभी ढंग से दिख नहीं रहा होगा लेकिन ऊपर द्वारिखाल ब्लॉक है। तो अभी बस थोड़ी देर खाने के रुके हुए थे, यहाँ पे खाना खाने जाएंगे, फिर उसके बाद कल जहाँ पे हमारा भंडारा है उस वाली जगह पे जाएंगे। बिल्कुल हमारे गाँव पे भंडारा नहीं है, एक दूसरे गाँव में जिसका नाम है कीच गाँव, तो पहले हम वहाँ जाएंगे। हमारा गांव कितना आगे बढ़ चुका है, देखो नमकीन के पैकेट के साथ एक पेन भी फ्री मिल रहा है। ये मतलब ये आपने सोचा है क्या, आपका है, आपने लगाया इसमें अपना माइंड? कंपनी वालों ने दिया हुआ तो। कंपनी वालों ने नहीं दिया भाई, ये देख अलग अलग पेन है, सारे अलग अलग पेन है, तो ऐसे देते हैं कंपनी वालों ने दे रखा। ये उनकी अच्छी टेक्निक है ना, अपना माल निकालने के लिए। सही बात है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो पेन मिला वो लगा दो। और ये यहाँ से नीचे जा रही सड़क मेरी दादी के गाँव के लिए जो है छोटा कुइन। ये कहाँ जा रहा रास्ता अंकल जी, ये वाला ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये वाला? ये तो गांव में जाएगा। कौन सा, छोटा कुइन? छोटा कुइन के लिए। ये कौन सा गांव है? ये तो थानीखाल तक जाएगा, थानीखाल के लिए फलगांव। अच्छा, फिर ऐसे घूम के रोड इधर मिल जाते हैं ना आगे में। हाँ हाँ, ये तो पैदल का रास्ता है ना, ये पैदल का, फिर यही रोड से मिल जाता है यही। अच्छा अच्छा, गद्दे आ चुके हैं हमारे, रजाई गद्दे। आज रात की व्यवस्था हो चुकी है बढ़िया करके, क्या बात है। ओ मेरी माटी, ओ मेरू पानी हे मां, ओ ठंडी धार पानी की छलार हे मां। चलो भाई बैठो बैठो बैठो, चलेंगे फिर। अरे भाई साहब, भाई साहब, हेलो, बीड़ बीड़ के ले लेंगे। नहीं कॉफी। अरे गाड़ी में थोड़ी पीने है, बीड़ी उल्टी आ जाएगी लोगों। चलो क्या करें, खाने के बाद जरूरी होती है ना, खाने के बाद तो जरूरी है पाचन के लिए। ओ मेरू गांव, ओ मेरू घर हे मां, ओ सुनी देवी, ओ मेरू और हे मां, सब खुदे पकड़ो भाई, पकड़ो 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 भाई, बड़ी खतरनाक हो रही भाई रोड, हिलता डुलता आ रहा है सब। हाँ ये जो इस बार बारिश आई तो खतरनाक आ रखी है, सबको उजाड़ के ले गई। देखो क्या सड़क की हाल हो रखे, ये हमारा गांव नहीं है, हमारे पड़ोसी गांव है, तो उसकी भी रोड देखो ऐसी हो रखी है। हमारी जो गांव की सड़क है वो तो पूरी की पूरी ढह गई है नीचे। खतरनाक हो रहा रास्ता। ओ मेरी नंदा ऊंचा कैलाश, जान दफनी यख बैठी, अपनो सर्यास निहारी होली। आज का जो हमारा स्टे है वो इस पीछे मकान में है और इस मकान को काफी साल हो चुके हैं, मतलब अब साल तो जो हमारे दादाजी हैं वही बताएंगे। लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये है बहुत पुराना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी पुराना है, लेकिन इसको दोबारा तोड़ के इसकी जो छत थी, पहले पटाली वाली छत थी इसकी भी, जैसे साइड में दिख रहा होगा आपको वो पूरी की पूरी रसोई है, तो रसोई की छत देख रहा हो ना जैसी पटाली वाली, वैसी इसकी भी छत थी पटाली वाली। तो ये कुछ साल पहले उन्होंने पूरी छत तोड़ के अब लेंटर वाली कर दी। तो इस कीच गाँव में ये जो घर है इस ये खास इसलिए है क्योंकि ये जो दीवारें दिख रही है ना आपको, इसमें जो काम किया था वो मेरे दादाजी के पिताजी ने किया था, मतलब मेरे पिताजी के दादाजी ने, समझ रहे हो ना, मतलब मेरे परदादाजी ने, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, पर मेरे परदादाजी ने काम किया था इस घर में, मतलब जो इस मकान के सारे पत्थर थे वो यहाँ सामने एक रॉल है वहाँ से उठा के वो यहाँ लाए थे, फिर कारीगर जो मिस्त्री थे उन्होंने घिसाई करी और जितना मतलब जिस तरीके से घर बनता है फिर वो मिस्त्री ने करा है। तो अभी अंदर से दिखाता हूँ मैं कि वो अंदर से कैसा है। और ये देखो चाचा ये घर के ऊपर खड़े हो गए, यहाँ प्लग में कुछ दिक्कत आ गई थी तो इसलिए देखो तारों का कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं सबसे पहले, ये दो हैं दरवाजे,
दोनों खुलते हैं इसी हॉल में, ये बढ़िया करके। और ये हो गया यहाँ पे वॉशरूम, देखो इंडिया वेस्टर्न है यहाँ पे भी। और ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ, ये एक कमरा, दूसरा और ये तीसरा स्टोर है। पूरा सामान रखा है यहाँ पे देखो, सारा का सारा जितना भी। अभी तो मुझे लग रहा है जो दाजी है उनके घर का सामान होगा, और बाकी जो कल भंडारा होने वाला है उसका सामान रखा हुआ। अब ये सीढ़ियों से चलते हैं हम ऊपर। ओहो हो भाई, सर बचा के चलना पड़ेगा, सीधे आओगे तो सर बचेगा बिल्कुल तगड़ा वाला यहाँ पे। और ये देखो ऊपर आने के लिए यहाँ पे ना ये दरवाजा, देखो पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, तो ये खोल के ये ऐसे बंद हो जाएगा दरवाजा, और इस पास से लॉक हो जाएगा ये, अब गिरेगा नहीं, लॉक हो गया। आ जाओ भाई ऊपर। अब ऐसे करके हम ऊपर आ गए यहाँ से, ये दूसरा कमरा हो गया, मतलब फर्स्ट फ्लोर हो गया है। तो फर्स्ट फ्लोर का एक कमरा, ये दो कमरा, और ये पूरा का पूरा बढ़िया करके हॉल। और फिर यहाँ से भी देखो ये बाहर की जाने के लिए दो दरवाजे हैं, जैसे नीचे थे वैसे ऊपर। ये जो दरवाजा है ना ये पुराने वाले हैं बिल्कुल, ये देखो कुंडी भी मुड़ गई है, तो इन्होंने देखो ये नए नए लगा रखे हैं फिर ये लोहे के। आहा, सूर्यास्त हो रहा है, बहुत ही सुंदर, क्या व्यू है। तो पापा और तो नीचे वाले कमरे में रहेंगे, फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे, मैं, विक्की और बिच्चू। ये चीज़ देख रहे होंगे ना आप, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ये। ये आप ढंग से देख लो एक बार, ये ऐसा यहाँ से, और फिर ये ऐसे जा रही है ऊपर लकड़ी, और यहाँ पे अटकी भी है। काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पे, तो पापा के जितने भाई लोग हैं बस वही हैं, एक दादाजी है जिनका घर है, और सारे के सारे मिल बांट के रात के खाने का इंतजाम कर रहे हैं। और साथ में शाम की चाय आ चुकी है, मैं तो विक्की और बिज्जू का वेट कर रहा हूँ। विक्की और बिज्जू जा रखे हैं द्वारिकाल कुछ सामान लेने के लिए, मैंने बोला मैं कीच गाँव में बैठ के अपना बढ़िया करके व्यू का मजा लूँगा। आहा, अदरक तो ऐसे भर भर के डाल रखा ना, मज़ा आ गया चाय पी के। और साथ में दादाजी ने गाने लगा दिए हैं, दादाजी का यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम है, बढ़िया करके चल रहे हैं भजन। और अभी देना थोड़ी देर में यहाँ बढ़िया पुराने पिक्चर के गाने चलेंगे। सब खुदेणी बली, खुदेणी बली, सब की जानी बली, की जानी। अरे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोतल पैसे दे चुपचाप। किस बात के पैसे? बोतल का। बोतल के? ये मैंने बोल भाग लेगी। अब दिख रहा है मैं वीडियो बना रहा हूँ, तभी बोल रहे हो। बहुत टाइम पहले जब हमारे गांव में एक पूजा हुई थी, और बाकी तो हर फंक्शन में दिख जाते हैं अंकल जी। और बाकी जो मेरी दादी का गांव है गुइन गांव, वहाँ पे अभी चल रही है रामलीला, मतलब कल से शुरू है, 5 तारीख से, संडे से। कब तक चलेगी? 15 को भंडारा। मैं भी आऊंगा फिर किसी दिन, ठीक है, पक्का। और सबसे खास बात उससे भी बड़ी कि जो अंकल जी है वहाँ पे बनेंगे हनुमान, हनुमान का किरदार प्ले करता है वहाँ पे। और पिछली बार जब गांव में आए थे ना उस समय चौपाई भी सुनाई थी, हो सकता है आज भी सुनाए, आज नहीं सुनाएंगे वैसे, आज थोड़ा कम बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जब हनुमान का कैरेक्टर कर लेते हैं ना, जो गंदी गंदी चीजें होती है ना उनका सेवन नहीं करना होता, तो इसलिए देखो आज बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं बोल रहे। अपने देखो उनका खाना भी बिल्कुल अलग बन रहा है, लहसुन प्याज का भी नहीं खाना बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ बोलना चाहोगे हमारे देखने वालों को? अरे जरा सर, तो मैं ही बोलने में लगा, आप तो बोल नहीं रहे कुछ, मतलब बहुत शर्माने में लगे, बोल ही नहीं रहे आज कुछ, बोलने की वो सुनिए ना। सही बात, आज दवाई नहीं ले रखी। जब जितने दिन तक वो हनुमान की रिहर्सल भी करते हैं और रामलीला भी करते हैं, मतलब प्याज लहसुन तक नहीं खाते, सही बात है, इसलिए वो अपने लिए अलग से बना देते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, वो बिल्कुल उन्हीं के पद चिन्हों में चल रहे हैं। सही बात, इतने दिनों तक कुछ नहीं, न खाएंगे न पियेंगे। नहीं पानी जरूर पियेंगे, पानी तो पीना है ना यार, निर्जल व्रत भी रखते हो।
क्या बात है, वेरी गुड। मैं गर्म पानी दे दो, मैं गर्म पानी पी के फ्रेश होने जा रहा हूँ। तेरे नाने के लिए भी रखा है यहाँ पे, नाने खुले में खराब हो गए। बोरी भी बना रखे हैं बढ़िया करके कि कोई इसके पीछे ना ले आराम से। तो आप सभी गुड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह अभी कीच गाँव से मैं निकल गया था गुमखाल के लिए। ये देखो ये विक्की का घर है पीछे, क्योंकि मम्मी कल रात को यहीं पे थी। तो अभी मम्मी को लेने आ गया हूँ मैं, और मैं भी फ्रेश यहीं पे हो जाऊँगा, बढ़िया नहा धो के फिर सारे के सारे हम यहाँ से निकलेंगे भंडारे के लिए। तो अभी फिलहाल इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे समाप्त, इसके बाद मिलेंगे आपसे भंडारे वाले व्लॉग में। इसलिए अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आपने इस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया उसे दबा देना, और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और व्लॉग वन डे से लगा बहुत अच्छा लगा तो अपना व्हाट्सएप फैन ग्रुप में फेसबुक में शेयर कर देना। तो इसके साथ मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिंध, बाय बाय।